पौड़ी की दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी की बरसी पर कांग्रेस ने सड़कों पर न्याय यात्रा निकाली और अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगा है। कांग्रेस ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पाया है जिसके लिए अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव बनाया जा रहा था और अंकिता को जल्द न्याय दिलाने के लिए अब तक इस केस में फास्ट्रैक कोर्ट भी नहीं पहुँच पाया है। वहीं जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने कहा कि सरकार सिर्फ परिवार का ढांढस बंधाने के अलावा 1 साल से कुछ भी नहीं कर पाई है, जिससे अंकिता भंडारी के परिजन आज भी न्याय के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, आप लोगों को आज विदित होगा कि आज अंकिता भंडारी जो हमारी पहाड़ की बेटी है उसको आज निश्चित रूप से 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल में तमाम उतार चढ़ाव आए। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, टकटकी लगा के हम लोग देख रहे थे कि सरकार की तरफ कि सरकार कहीं ना कहीं न्याय करेगी, लेकिन सरकार ने ढांढस बंधाने के अलावा और जनता के साथ कुछ नहीं किया, उनके माता पिता के साथ और जो इस पहाड़ के समूचे प्रदेश के जो जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सबके साथ एक तरफ से हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा छलावा हुआ है सरकार की तरफ से। सरकार नए चुनावों की तैयारी, देश के नाम से राजनीति, देश के भ्रष्टाचार के मुद्दों को भूलकर देश के साथ जो आज सबसे बड़ी बात यह आज देखिए, आपको भी पता है कि अंकिता हत्याकांड को 1 साल हो चुका है और इसमें हमें न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था कि फास्ट ट्रैक में इसको हम चलाएंगे, अभी तक बस डेट में डेट दी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और उसके माँ बाप भी ऐसे ही अभी भटक रहे हैं न्याय के लिए दौर दौर, और आप देख ही रहे हैं कि सभी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी दलों का एक जो आज हुआ था धरना प्रदर्शन था पद यात्रा, तो इसमें अभी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अपने मनमाने तरीके से वो कोई भी काम, अब आपने जैसे देखा होगा कि अभी इंडिया को भारत बनाने के लिए उन्होंने इतनी जल्दी की कि इसको फटाफट से भारत नाम दे दिया जाए, या ये कोई भी अपना पास करवाना हो तो अपने संसद में पास करवा देते हैं फटाफट, पर इसके लिए देखिए आप